किया है, उनका कैपिटल क्या था, और कैमरा बनाने वाले जनाब इब्नुल हैशम, इब्नुल हैशम ने सबसे पहले कैमरा बनाया था। मुस्लिम साइंटिस्ट हो गए, फिर मुस्लिम्स इन स्पेन, और मुस्लिम्स इन स्पेन के हवाले से भी, बल्कि आपको एक एमसीक्यू बताऊं कि कहते हैं जकी, स्पेन के अंदर ना एक बड़ी मशहूर मस्जिद है, ग्रैंड मास्क ऑफ कार्डोवा, उर्दू में से मस्जिद कुर्तबा भी कहते हैं, सुना है आपने नाम उस मस्जिद का? तो मस्जिद कुर्तबा किसने बनवाई थी? ग्रैंड मास्क ऑफ कार्डोवा वाज बिल्ट बाय अब्दुर रहमान अल अव्वल, अब्दुर रहमान अल अव्वल ने। ओए ये सबसे अच्छा जवाब है जो मुझे पसंद आया कि मस्जिद किसने बनाई थी, वो कहते हैं सर मुसलमानों ने। ये तो ऐसा ही जवाब है कसम से, कि वो कहते हैं टीपू सुल्तान कब शहीद हुए अपनी आखिरी लड़ाई में, शिमला मुआहदे पर दस्तखत कहाँ हुए, सर पेज के एंड पर। लोग सीएसएस में फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि पेपर देने जाते हैं। तो मस्जिद किसने बनाई है? मुसलमानों ने भाई, मस्जिद बनाई है अब्दुल रहमान अल अव्वल ने, अब्दुल रहमान अल अव्वल या अब्दुल रहमान फर्स्ट। अच्छा ये अब्दुल रहमान है, मेहरबानी करके इसे रहमान ही रहने दें। अब ये जो अब्दुल रहीम नाम लिख दिया है भाई, अपना बंदा तो ना ना कोई मेंशन करे यहाँ पर। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट हम जरा देख लेंगे, हमारा जो छठा चैप्टर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, उसके भी कुछ एमसीक्यूज हम पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कौन सी की पर्सनालिटीज को कहाँ पर अपॉइंट किया गया। इसी तरह फिर हम वहां पर देखेंगे कि किस फेमस सहाबी के जिम्मे क्या हॉली प्रॉफिट ने ड्यूटी लगाई, या खुल्फाए राशिदीन ने अपने किस किस बंदे को अपॉइंट किया। जिस तरह हजरत उमर के हवाले से आ जाता है कि हजरत उमर फारूक ने बैतुल माल का जब प्रॉपर महकमा कायम किया तो उसका इंचार्ज किसे बनाया था भला? वो वाज मेड द फर्स्ट इंचार्ज ऑफ बैतुल माल। है आपको थोड़ा सा आइडिया? बैतुल माल का सबसे पहले इंचार्ज निगरान हजरत उमर फारूक ने बनाया, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद को। हजरत उमर ने किसको इंचार्ज बनाया? हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद को। इसी तरह मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज की अपॉइंटमेंट हुई है, और इसमें इम्पोर्टेंट है कि हजरत अली ने इजिप्ट का गवर्नर बनाया था, बड़ी फेमस पर्सनैलिटी है, मालिक अश्तर को। अच्छा आप लोगों को पता है कि फातेह ईरान किसे कहते हैं? फातेह ईरान हु वाज द कंकरर ऑफ ईरान, फातेह ईरान फातेह ईरान। अब्दुल मालिक कहते हैं हजरत साद बिन अबी वकास को, हजरत साद बिन अबी वकास को। इसी तरह फातेह मिस्र, आपको ना फातेह मिस्र किसे कहा जाता है? फातेह मिस्र कंकरर ऑफ इजिप्ट, अच्छा ये सही तरीका है, जब किसी एमसीक्यू का जवाब ना आवे ना तो क्लास चो आके रोला पा दे, ओ क्लास चो आके रोला पा दे हो ते कहो सर आवाज कोई नहीं आ रही, ये भी एक अच्छा तरीका है। बताएं फातेह ईरान किसे कहते हैं? फातेह ईरान बिल्कुल,
आप लोग सही कह रहे हैं, साद बिन अबी वकास को और फातेह मिस्र कहते हैं अमर बिन अल आस को। अमर बिन अल आस, हजरत अमर बिन अल आस को कहते हैं फातेह मिस्र। और आपको पता है ना फातेह उंदलस कंकरर ऑफ स्पेन किसे कहते हैं? कंकरर ऑफ स्पेन तारिक बिन ज़ियाद को। शाबाश। इसके बाद फिर थोड़ा बहुत हम देख लेंगे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के भी एमसीक्यूज। जिस तरह आपको पता है कि दुनिया के तमाम निकम्मे नालायक लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है ओआईसी, तो ओआईसी का हेडक्वार्टर किधर है, ओआईसी का करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है, इसको भी हम देख लेंगे। और लास्ट में फिर हमने एमसीक्यूज पढ़ने हैं आमना, लास्ट में हम एमसीक्यूज पढ़ेंगे अनेक पॉलिटिकल सिस्टम के हवाले से। और पॉलिटिकल सिस्टम में एक एमसीक्यू जो हमारा बहुत ज्यादा रिपीट होता है वो आपको पता कि खिलाफत राशिदा टोटल कितने साल तक रही है? ऑलमोस्ट 30 years, 30 साल तक खिलाफत राशिदा रही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपने, शबाज 30 साल तक। और आपको पता है हमारे किस खलीफा राशिद ने सबसे ज्यादा रूल किया, किस खलीफा ने सबसे ज्यादा लंबा टेन्योर तक रूल किया? हजरत उस्मान गनी ने सबसे ज्यादा लंबा अरसा रूल किया 12 साल, 12 years। हजरत उस्मान गनी ने सबसे ज्यादा 12 साल, हजरत उमर के 10 साल। इसके बाद फिर हम फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इस्लाम के हवाले से भी पढ़ लेंगे कि मईशत के हवाले से कुरान की क्या तालीमात हैं, उसमें एमसीक्यूज क्या बनते हैं, या आजकल हमारी जो मॉडर्न बैंकिंग है उससे रेलिवेंट हमारे एमसीक्यूज बन जाते हैं। और लास्ट में मैं आपको पढ़ा दूंगा शरीयत से रेलिवेंट एमसीक्यूज, जिसमें फॉर एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट है द मीनिंग ऑफ इजमा। आपको पता है इजमा का मानी क्या है? द मीनिंग ऑफ इजमा इज वेरी गुड, मुत्तफिक होना, जमा होना, कंसेंसस। ये हमारा टोटल सिलेबस होगा और हमने इन इन एरियाज को प्रिपेयर करना है। तो हमारी पढ़ने की स्ट्रेटेजी ये होगी अब्दुल कयूम कि इसमें जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं वो मैं कवर कराऊंगा और जो इजी इजी एमसीक्यूज है ना वो मैं आपको पढ़ने के लिए दूंगा। साथ में मैंने आपको बता दिया है कि आपने अब ये एमसीक्यूज प्रिपेयर कहाँ से करने हैं। आपने दो काम करने हैं, एक तो जो है वो बिल्कुल मेरे साथ आपके 4 लेक्चर होंगे इस्लामिक स्टडीज के, क्योंकि 20 मार्क्स का हमारा पोर्शन है, तो मैं इंशाल्लाह 4 लेक्चर्स में ये मैक्सिमम एरियाज आपको कवर करवाऊंगा। आपने एक तो ये पेज मैंने दे दिया है, इस पर जो है वो एमसीक्यूज पढ़ते रहना है। सेकंड नंबर पर आप आज ही अपने सेलफोन में एक ऐप डाउनलोड कर लेंगे और इसी तरह फिर वो बुक है वो ले लेंगे, तो इस तरह से फिर हमारी तैयारी हो जाएगी। यहां तक समझ आ गई आप सारे लोगों को? जी एफबी वाला पेज ही। आपने एक चीज नोट की है कि हमने सिलेबस डिस्कस करने करने में भी कितने एमसीक्यूज कवर कर लिए हैं, ऐसे है ना? क्यों जिशान? असी
सिलेबस डिस्कस कर दें अभी किन्ने एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं, तो अब हम स्टार्ट करें एमसीक्यूज पढ़ना। बुक आप नोवा एमपीटी की ले लेंगे और बाकी ये जो एमसीक्यूज मैं आपको पढ़ाऊंगा ये सारे आपको मेरे पेज से मिल जाएंगे। ये ने मैंने दोबारा लिंक शेयर कर दिया। बिल्कुल अफरा से आप पचास नहीं आ गई, सिलेबस डिस्कस करते करते भी 44 पढ़ लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस्लाम के हवाले से पढ़ना। और कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, मैं सारा डाटा साथ-साथ शेयर करता रहूंगा, नो वरीज। तो अब हम जो है वो अच्छा आप जल्दी से बताएं कि व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ इस्लाम, इस्लाम का पुराना नाम क्या था। ये मैं भी क्लास में कई दफा बता चुका हूँ, बताएं जरा व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ इस्लाम। शाबाश, द ओल्ड नेम ऑफ इस्लाम वाज दीने हनीफ। आपको पता है नबी करीम ने इस्लाम की तालीमात का आगाज किस पहाड़ पर चढ़कर किया? इस्लाम की तालीमात का आगाज होली प्रॉफिट ने किस पहाड़ पर चढ़कर किया? होली प्रॉफिट ने इस्लाम की तालीमात का आगाज, आप सबको पता होना चाहिए, कोहे सफा के ऊपर से किया, सफा माउंटेन, कोहे सफा से जो है वो होली प्रॉफिट ने इस्लाम की तालीमात का आगाज किया। दारा अरकम से नहीं, कोहे सफा से। बिल्कुल, और इसमें आपको पता है कि हमारा जो थर्ड कलमा है, थर्ड कलमे का नेम क्या है? व्हाट्स द नेम ऑफ थर्ड कलमा इज तमजीद। वेरी गुड, और तमजीद का मानी क्या है? तमजीद का मानी क्या है? बुजुर्गी या ग्लोरिफिकेशन, बुजुर्गी या ग्लोरिफिकेशन। इसी तरह हमारा जो चौथा कलमा है उसका क्या नाम है? हमारे चौथे कलमे का क्या नाम है? तौहीद। एंड तौहीद मींस, तौहीद मींस यूनिटी। अच्छा कहते हैं कि रोजे मैशर हजरत इसराफील अपनी सूर फूकेंगे तो तमाम लोग जिंदा उठाए जाएंगे, ऐसे ही है ना? आपको पता है हाउ मेनी टाइम्स ही विल ब्लो द ट्रम्पेट। कहते हैं हजरत इसराफील रोजे मैशर सूर फूकेंगे तो
तो तमाम लोग अपनी कब्रों से जिंदा उठाए जाएंगे। आपको पता है कितनी दफा वो सूर फूकेंगे? हाउ मैनी टाइम्स ही विल ब्लो द ट्रम्पेट? दो मरतबा। आपको पता है हजरत जिब्राइल नबी करीम के दरबार में कितनी मरतबा हाजिर हुए? हाउ मेनी टाइम्स एंजल जिब्राइल विजिटेड प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम? दो मरतबा वकार, दो दफा, बताया तो है टू टाइम्स। अच्छा आपको पता है हजरत जिब्राइल कितनी मरतबा नबी करीम के पास हाजिर हुए? हाउ मेनी टाइम्स एंजल जिब्राइल विजिटेड प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम? ट्वेंटी फोर थाउजेंड टाइम्स, 24,000 मरतबा। 24,000 टाइम्स जिब्राइल विजिटेड प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, वो होली प्रॉफिट के पास है। आपको पता है इस्लामिक ईयर का फर्स्ट मंथ कौन सा है? फर्स्ट मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर इज मुहर्रम। मुहर्रम है ना सिराज? ओके फाइन आमना, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ मुहर्रम? इज मुहर्रम का मानिंग क्या है? आप सारे लोग बिल्कुल ठीक बता रहे हैं जुनैद जी, आयदा बिल्कुल ठीक बताया आपने। मुहर्रम, मुहर्रम का मानिंग क्या है? मुहर्रम का मानिंग फॉरबिडन, फजीलत वाला नहीं, फॉरबिडन, ममनुआ, फॉरबिडन। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? यस आई कैन हियर यू। सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे एक लिंक जनरेट करके दिया है, सर काइंडली आप वो क्लास ज्वाइन कर लीजिए। ओके फाइन, तो ये क्लास खत्म करने लगे? सर इसका रूम बहुत छोटा था, हमने बड़े रूम वाली क्लास जो है वो अरेंज की है ताकि सारे बच्चे उधर पूरे आ जाएं। ओके सी यू इन नेक्स्ट रूम। Another room, just next room. JazakAllah, thank you so much, sir. Okay. Students, मैं आप लोगों को लिंक दे रही हूँ, kindly join that link. Leave the room, leave the class. वहाँ जाएं, सर की आवाज सुने, सुरीली सी सर आपको इस्लामियात पढ़ाएंगे एक नए तरीके से. Leave the room, foreign. आप यार मेरे गले को नहीं हुआ है, और हमारे यहाँ पर आज पता नहीं क्यों डस्ट बहुत ज्यादा हुई हुई है, इसकी वजह से ना मुझे खुद भी फील हो रहा है कि मेरी आवाज थोड़ी सी हैवी हुई हुई है, उमरदाना टाइप की निकल रही है। चलो जी आपके सर आ गए, हम दोबारा से इस्लामियात पढ़ेंगे एक नए तरीके से, इंशाल्लाह आप लोगों के एमपीटी में ये बहुत हेल्प होगा। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? यस आई कैन हियर यू सर, हैंड इट टू यू।
सर ये हमारे वो स्टूडेंट हैं जो बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। ओके हाँ जी, हुण तुसी सारे आ गए हो, बल्कि अब तो पता है क्या कहना चाहिए कि कोई रह तो नहीं गया। हुण ते किस्में कहना बनता है कि नवे रूम में आए हो ना, दसो कोई रह तो नहीं गया। तो सारे आ गए, आमिर ओल्ड नेम ऑफ इस्लाम वाज दीने हनीफ। दीने हनीफ ओल्ड नेम ऑफ इस्लाम वाज दीने हनीफ। थैंक यू आतिफ। अच्छा मैं आपको मुहर्रम का मानी भी बता रहा था, तो मुहर्रम का मानी है फॉरबिडन, ममनुआ, इसीलिए इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, हुर्मत वाला भी। अब ये आपने याद रखना है, मुहर्रम मीन्स ममनुआ, हुर्मत वाला। हज़रत जिब्राइल 24,000 टाइम्स, 24,000 मरतबा नबी करीम के पास हाजिर हुए हैं, 24,000 टाइम्स। ओके रुखमा, आपने याद रखना है अब्दुल कयूम कि ये फॉरबिडन के मानों में ही लिया जाएगा, अजमत के मानों में नहीं। उसके लिए वर्ड करामत इस्तेमाल होता है, मुहर्रम का मतलब ही हुर्मत से निकला है, हे रे मीम आता है इसमें। और इसी तरह आपने सुना है ना, जिस तरह बैतुल हराम हे रे मीम है उसमें, कि भाई वहां पर लड़ाई झगड़ा करना मना है, तो इसका मानी अजमत वाला नहीं है, आपने कहीं गलत पढ़ा। और सूर हजरत इसराफील में, कोई बात नहीं, हमने इतने ज्यादा एमसीक्यूज नहीं पढ़े और ये सारे आपको मिल भी जाएंगे। मैंने बताया भी था ना कि ये सारे एमसीक्यूज नवाज हमें मिल जाएंगे, मेरे पेज से भी मिल जाएंगे, पेज के अलावा जो है वो एमपीटी का सारा मैंने डाटा अपलोड किया हुआ है, वहां से भी मिल जाएगा। फिर मैं आपको सोर्स भी बता दूंगा कि कहाँ कहाँ से पढ़ने हैं, नो वरी। तो इसमें जो है वो नेक्स्ट फिर आपने देखना है। ओके फाइन, तो नेक्स्ट इसमें फिर आपने देखना है, दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हमारा बनता है वो है कि द सेवंथ मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। अब्दुल कयूम मुफ्ती साहब बिल्कुल ठीक कहने ने, लेकिन असी तो वही लिखना ना जेड़ा एफपीएससी चाहता है, असी वो नहीं लिखना कि मुफ्ती साहब की चाहते हैं, असी वो लिखना है जेड़ा एफपीएससी चाहता है। तुसी मुफ्ती नू छड़ो, एफपीएससी की फिक्र करो, फोकस ऑन एफपीएससी। अंदाजा लाओ ये साड़ा स्टूडेंट है, कहना सर मुफ्ती साहब की किताब में ये लिखा है, ये पेपर मुफ्ती साहब ने चेक नहीं करना, फोकस ऑन एफपीएससी। द सेवंथ मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर इज रजब, एंड द मीनिंग ऑफ रजब इज meaning of Rajab is respect and honor. The meaning of Rajab is respect and honor.
अच्छा आपको पता है कि रमजान उल मुबारक इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना है। द 9th मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर इज मुहर्रम। लेकिन आपको मालूम है कि सॉरी मुहर्रम कह रहा हूँ रमजान। द 9th मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर इज रमजान। आपको पता है रमजान का मानी क्या है? द मीनिंग ऑफ रमजान इज बिल्कुल 9th मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर इज रमजान करीम। तो आपको पता है कि रमजान का लफ्जी मानी क्या है? रमजान का लफ्जी मानी है बर्निंग हीट। बर्निंग हीट, वेरी गुड दायमा, आपने ठीक बताया। अच्छा ये बताएं कि द लास्ट मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर इज द लास्ट मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर इज ज़ुलहिज्जा। आखिरी महीने का नाम है ज़ुलहिज्जा। शाबाश, वेरी गुड भाई, ये आप सबको आता है। तो ये हमारे इस्लामिक जो है वो मंथ्स भी हो गए। अच्छा आपको पता है कि हजरत मूसा अलैहि सलाम पर जो बुक नाजिल हुई उसका नाम है तौरात। ऐसे ही है ना, हजरत मूसा अलैहि सलाम पर जो बुक नाजिल हुई उसका नाम है तौरात। तौरात का लफ्जी मानी क्या है? द मीनिंग ऑफ तौरात इज तुरैत का लफ्जी मानी है द मीनिंग ऑफ तुरैत इज लॉ। नुमान तुरैत का लफ्जी मानी क्या है? कानून, लॉ। तुरैत का मानी ही अहकामात है। तुरैत का लफ्जी मानी क्या है? कानून, अहकामात। इसी तरह आपको पता है कि जबूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। ऐसे ही है ना, लेकिन जबूर का मानी क्या है? द मीनिंग ऑफ जबूर इज द मीनिंग ऑफ जबूर इज म्यूजिक। अरबाब जबूर का मानी क्या है? म्यूजिक। ये कई दफा एमसीक्यू में पूछा जा चुका है कि किस इल्हामी किताब का मानी मौसीकी है। अच्छा इसी तरह इंजील, आपको पता है इंजील का मानी क्या है? अरबाब जो आपने बताया ये भी हम कह सकते हैं, इंजील का मानी क्या है? गुड न्यूज, खुशखबरी। द मीनिंग ऑफ इंजील इज गुड न्यूज, खुशखबरी। कुरान का लफ्जी मानी क्या है? द मीनिंग ऑफ कुरान इज कुरान का लफ्जी मानी है बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। द मोस्ट रिसाइटेड बुक, द मोस्ट रिसाइटेड बुक। आपको पता है रूहुल कुद्स किसे कहते हैं? रूह लिख के ना अल कुद्स, रूहुल कुद्स किसे कहते हैं? रूहुल कुद्स किसे कहते हैं?
Ruhul Quds is the title of Hazrat Jibrail alayhis salam. किस रिलीजन में दो खुदाओं का तसव्वुर है? इन विच रिलीजन देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ टू गॉड्स? किस मजहब में दो खुदाओं का तसव्वुर मिलता है? शाबाश, ज़ोरास्ट्रिज्म, ज़र्तश्त मजहब में दो खुदाओं का तसव्वुर मिलता है इन ज़ोरास्ट्रिज्म। ज़ोरास्ट्रिज्म ये जो मजूसी थे ना, जो आग की परस्तिश करते थे, आपने नाम सुना पारसी लोग आग की परस्तिश करने वाले लोग थे, वो रूहुल कुद्स कहते हैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को। रूहुल कुद्स हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कहते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर थोड़ा सा जरा हम देख लेते हैं। दो खुदाओं का तसव्वुर हमें ज़र्तश्त मजहब में मिलता है ज़ोरास्ट्रिज्म के अंदर, जो पर्शिया में होते हैं, मजूसी लोग, आग की परस्तिश करने वाले। जी, जो पारसी थे और आग की परस्तिश करते थे। ज़की हैदर, इसके बाद फिर नेक्स्ट आपने इसमें देखना है कि इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह किसे करार दिया गया? द बिगेस्ट सिन इन इस्लाम इज, The biggest sin of Islam is shirk. बिल्कुल ठीक है। और जुडाइज्म के अंदर भी मोनोथीज्म का कंसेप्ट है, एक खुदा को मानते हैं, लेकिन वो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा समझते हैं। समझ आई आपको बात की? कि यहूदी एक अल्लाह को मानते हैं, लेकिन हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम, इंग्लिश में कहते हैं इज़रा, तो वो इज़रा को अल्लाह का बेटा समझते हैं। अच्छा, मरने के बाद कहते हैं कि इंसान आलम में बरजख में चला जाता है। आपको पता है बरजख का लफ्जी मानी क्या है? द मीनिंग ऑफ बरजख इज, द मीनिंग ऑफ बरजख इज, बरजख का लफ्जी मानी क्या है? दरमियान में आने वाला या पर्दा। दरमियान में आने वाला या पर्दा। अच्छा,
आपको पता है आखरत का लफ्जी मानी क्या है? द मीनिंग ऑफ आखरा इज, आखरत का लफ्जी मानी क्या है? शाबाश, वेरी गुड। आखरत का मानी है बाद में आने वाली चीज। बाद में आने वाली चीज। अच्छा, आपको पता है कि जो जन्नत का इंचार्ज है उस फरिश्ते का क्या नाम है? नेम द एंजल हु इज इंचार्ज ऑफ जन्ना। रिजवान, शाबाश। नेम द एंजल हु इज इंचार्ज ऑफ हेल, जहन्नुम के इंचार्ज फरिश्ते का क्या नाम है? मालिक। अच्छा, आपको पता है दुनिया का लफ्जी मानी क्या है? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दुनिया, दिस वर्ल्ड। इस दुनिया का लफ्ज जो कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है, इस दुनिया का मानी क्या है? दुनिया का मानी है करीब की चीज। करीब, शाबाश, वेरी गुड। माहम, आपने ठीक बताया, धोखा नहीं है, करीब है। आपको पता है कि हिसाब किताब लेने वाले फरिश्तों के क्या नाम है? नेम द एंजल्स। जी बिल्कुल, जो मरने के बाद इंसान से हिसाब किताब करने के लिए आते हैं। वेरी गुड, मुनकिर नकीर। अच्छा, इसमें कई लोगों ने मेंशन किया हुआ है करामन कातिबीन। एक चीज, कातिब कहते हैं लिखने वाले को, तो ये आपने निशानी के तौर पे याद रखना है कि जो नामा अमाल लिखते हैं उन्हें कहा जाता है किरामन कातिबीन, और जो आखिरत में हिसाब किताब लेंगे वो मुनकिर नकीर। दुनिया का मतलब होता है करीब की चीज। सिद्धा, दुनिया का मतलब है करीब। ठीक हो गया जी। भाई, मैंने आपको बताया कि जन्नत के इंचार्ज फरिश्ते का नाम है रिजवान, और जहन्नुम के इंचार्ज फरिश्ते का नाम है मालिक। After Islam, the world's oldest religion is, Islam के बाद दुनिया का दूसरा पुराना तरीन मजहब कौन सा है? इस्लाम के बाद दुनिया का दूसरा पुराना तरीन मजहब हिंदुइज्म है। अच्छा, आपको पता है द रियल नेम ऑफ हिंदुइज्म इज, द रियल नेम ऑफ हिंदुइज्म इज
द रियल नेम ऑफ हिंदुइज्म इज सनातन धर्म. सनातन धर्म, एस ए एन ए टी ए एन, सनातन धर्म. ये अब आपने याद रखना है, हिंदुइज्म कोई प्रॉपर रिलीजन नहीं है कि हम कहते रहे भाई हिंदुइज्म एक मजहब है और ये उसका नाम है. हिंदुइज्म एक ज्योग्राफिकल एरिए का नाम है, समझे आप. हिंदुइज्म एक ज्योग्राफिकल एरिए का नाम है, उसका रियल नाम क्या था, सनातन धर्म, एस ए एन ए टी ए एन, सनातन धर्म, एस ए एन ए टी ए एन, सनातन धर्म. आपको पता है हु वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म? हु वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म? Very good. The founder of Buddhism was Gautam Buddha. ऐसे ही है ना कि बुद्धिज्म का जो फाउंडर था उसका नाम था गौतम बुद्ध. आपको पता है what was the real name of Gautam Buddha? गौतम बुद्ध का real name क्या था? द रियल नेम ऑफ गौतम बुद्ध वॉज साखिया मुनि. ये सिद्धार्था गौतम लिखना और ये जो बाकी सारे लिख रहे हैं ना, ये नहीं है. सिद्धार्था बुद्धा तो उसको बाद में नाम दिया गया, उसका रियल नेम था साखिया मुनि. आपकी जो FPSC की रिकमेंडेड बुक है ना, इस्लामी नजरिया हयात, उसमें भी उन्होंने ये कोट किया हुआ है, साखिया मुनि. वैसे ये मुनि उसी वक्त से बदनाम है. असल में इसका नाम था साख्या मनी, तो हमने याद करने के लिए इसको मुनि बनाया हुआ, साख्या मनी. द रियल नेम ऑफ गौतम बुद्ध वॉज साख्या मनी. अच्छा, इसी तरह फारिया, इसमें आपने बताना है कि क्रिश्चियनिटी के अंदर एक बड़ा मशहूर फिरका है प्रोटेस्टेंट्स. द फादर ऑफ प्रोटेस्टेंट्स वाज, द फाउंडर ऑफ प्रोटेस्टेंट सेक्ट वाज क्रिश्चियनिटी में एक बड़ा मशहूर फिरका है प्रोटेस्टेंट्स, तो वो कहते हैं कि द फाउंडर ऑफ प्रोटेस्टेंट्स वाज मार्टिन लूथर. मार्टिन लूथर किंग नहीं, मार्टिन लूथर किंग वो है जिसने ब्रिटेन में ब्लैक राइट्स के लिए स्ट्रगल की थी. इसमें आपने मेंशन करना है मार्टिन लूथर. ये दो है, मार्टिन लूथर और है, मार्टिन लूथर किंग और है, याद रह जाएगा. MARTIN, मार्टिन, LUTHER, मार्टिन लूथर. अच्छा देखिए यार, मुझे कई लोग कह रहे हैं बार बार कि सर वो आपकी स्लाइड्स शो नहीं हो रही. मैं कभी भी MCQs स्लाइड्स के साथ नहीं पढ़ाता. आपको पता है ना, स्लाइड्स के साथ MCQs पढ़ाएं तो वो याद नहीं होते. और फिर ये सारे MCQs नोआ की बुक में भी दिए हुए हैं, मैंने अपने पेज के ऊपर भी दिए हुए हैं, तो यार हार्ड फॉर्म में वहीं से ले लें. यहाँ जरा कोशिश करें खुद लिखने की ताकि आपको याद हो जाए. भाई देखें ना, MCQs पढ़ाना ये तो बच्चों वाला काम होता है, ये कोई बात है पढ़ाने वाली कि MCQs बच्चे की तरह पढ़ाए जाएं कि जी इस लफ्ज का ये मानी है या यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स में ये चीज आएगी MCQs में. ये मेरा मकसद आपको ये MCQs मेमोराइज कराना है. अल्हम्दुलिल्लाह आपने इस वक्त तक जितने भी MCQs लिखे हैं, आपने देखा है कि आपको कितने अब जहन में बैठ गए हैं, कितने नाम आपको लिखना आ गए हैं. मेरा मकसद आपको सिर्फ MCQs पढ़ाना नहीं है, क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी होती है जो मैंने समझानी हो. ये MCQs मैंने आपको मेमोराइज कराने, याद कराने.
आप देखें ना कि हमने अब तक अल्हम्दुलिल्लाह को 100 से ज्यादा पढ़ ली है, लेकिन वो सारे आपको मेमोराइज हो गए हैं। सर ये उर्दू में आएंगे या इंग्लिश में? मारे साढ़ा बस चले थे, असं पंजाबी पश्तो भी देिए कहते रहे कि सर ये उर्दू में आएंगे या इंग्लिश में। भाई ऑलमोस्ट इंग्लिश में ही आता है एमपीटी, उर्दू में कहाँ से आने लग गया? आज तो ब्रेक नहीं है, क्लास जो है वो मेरा ख्याल है 5 बजे तक है, तो 5 बजे तक फिर पढ़ें, नो ब्रेक। ये लिंक मैंने शेयर कर दिया, प्रोटेस्टेंट्स जो है वो एक मेजर सेक्ट है क्रिश्चियनिटी के अंदर, मेजर सेक्ट इन क्रिश्चियनिटी। तो मैंने आपको पढ़ाया कि उसका फाउंडर का नाम है मार्टिन लूथर। ये आबिदा आपको तमाम एमपीटी का डाटा मिल जाएगा, उसका लिंक है अभी, ठीक है? सुभान, आज एसएस दे दूंगा मैं। अच्छा जी, इसके बाद फिर अब जो है वो थोड़ा सा हम मजीद पढ़ लेते हैं आगे। आपको पता है कन्फ्यूशियसिज्म इज द मेजर रिलीजन ऑफ विच स्टेट्स? कन्फ्यूशियसिज्म है ना, आपको पता है कन्फ्यूशियसिज्म किन ममालिक का मेजर रिलीजन है? कन्फ्यूशियसिज्म चाइना और ताइवान का मेजर रिलीजन है। नॉट ओनली चाइना, चाइना एंड ताइवान। ये अक्सर एमसीक्यूज में गलती हो जाती है कि स्टूडेंट सिर्फ चाइना के ऊपर लिखते हैं, आपने याद रखना है कि चाइना एंड ताइवान। मुजम्मिल, चाइना एंड ताइवान, अभी ये उर्दू में भी बताने की जरूरत है? अच्छा यार, और सबसे ज्यादा तो दिल मेरा खुश कर दिया इस कमेंट ने कि सर वो इज किंग मार्टिन। एक तो होता ना भाई मार्टिन लूथर, नाम तो सीधा ले, वो इज किंग मार्टिन, बस साड़ा किड़ा कुछ आसे था मुंडा लगता है वो इज किंग मार्टिन। अच्छा आपको पता है The most sacred place of Christians, Jews and Muslims is the most sacred place of Christianity, Judaism and Islam is वेरी गुड यरूशलम। आपने फलस्तीन नहीं, यरूशलम के ऊपर टिक करना। यरूशलम इज द मोस्ट सेक्रेड प्लेस इन क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म एंड इस्लाम, यरूशलम। यरूशलम, जे ई आर यू एस ए एल ई एम, यरूशलम इज द मोस्ट सेक्रेड प्लेस ऑफ इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज्म। अच्छा आपको पता है जीसस क्रिस्ट कहाँ पैदा हुए थे? वेयर जीसस क्रिस्ट वॉज बॉर्न? वेयर जीसस क्रिस्ट वॉज बॉर्न? आपने इस पे भी यरूशलम के ऊपर ही टेक करना है।
हमारे एमसीक्यूज में यरूशलम की ऑप्शन है, यरूशलम, बैतुल्लाहम, यरूशलम। बैतुल्लाहम जगह है और सिटी यरूशलम, ठीक हो गया। इसके बाद फिर नेक्स्ट, आपको पता है गौतम बुद्ध का ताल्लुक कहां से था? वेयर सिद्धार्थ बुद्ध वाज बॉर्न, ये नहीं जी, बैतुल्लाहम मैंने लिख दिया, बैतुल्लाहम वाज द प्लेस वेयर जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न। और वेयर सिद्धार्थ बुद्ध वाज बॉर्न इन नेपाल, शाबाश। According to Quran, which religion is the favorite religion of Allah? According to Quran, which religion is the favorite religion of Allah? Shabash, Islam. Islam is the favorite religion of Allah Almighty according to Holy Quran. आपको पता है कि अमंग 195 स्टेट्स अराउंड द वर्ल्ड हाउ मेनी आर मुस्लिम्स इन नंबर? अमंग 195 स्टेट्स अराउंड द वर्ल्ड हाउ मेनी स्टेट्स आर मुस्लिम इन नंबर? आपके एमसीक्यूज में जो राइट ऑप्शन दिया हुआ है डेट वन इज 44 स्टेट्स, 44 states are Muslims in number, 44. The largest state area wise, Waqar OIC ke mumalik ki tadad 57 hai, kyunki usme observer bhi hai. अब आप लोग सारे CSS लेवल के स्टूडेंट्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि स्टेट्स दो तरह की होती हैं किसी भी ट्रीटी में, एक जो उसके परमानेंट मेंबर्स होते हैं और एक वो जो उसके ऑब्जर्वर मेंबर्स भी होते हैं। अब समझ आई कि आप कह रहे हैं कि जी वो उसमें 57 कैसे हैं? तो एरिया वाइज जो सबसे बड़ी मुस्लिम स्टेट है वो है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान वो जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में है कजाकिस्तान। और आबादी के लिहाज से पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी मुस्लिम स्टेट कौन सी है? पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी मुस्लिम स्टेट इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, कजाकिस्तान एरिया वाइज सबसे बड़ी मुस्लिम स्टेट है और पॉपुलेशन वाइज इंडोनेशिया है। यहीं पर हम पढ़ लेते हैं कि फर्स्ट मुस्लिम वोमेन मार्टायर वाज, फर्स्ट मुस्लिम वोमेन मार्टायर वाज कि इस्लाम की राह में पहली मुसलमान शहीद खातून हजरत सुमैया।
among men, first man murder was? First man martyr was Haris bin Abi Hala. Hazrat Haris bin Abi Hala. Yasir nahi hai. Amar bin Yasir bhi nahi hai. Aap sare log jo bata rahe hain, bhai Amar bin Yasir to Jang-e-Siffin mein shaheed hue the, jo Hazrat Ali aur Hazrat Amir Muawiya ke darmiyan hui. Samajh aayi aapko? ये जो जिन तमाम सब ने लिखा है ना अमार बिन यासिर, तो अमार बिन यासिर शहीद हुए हैं जंगे सफीन में, जो हजरत अमीर माविया और हजरत अली के दरमियान हुए। हजरत हारिस बिन अबी हाला, हारिस हारिस लिख लेंगे। और वोमेन का नेम हुमा मैंने बताया सुमैया। अहमद ये फिर मैं कह रहा हूं कि ये हारिस है, यासिर नहीं है। यहां तक समझ आई आपको? शाबाश। हजरत हारिस बिन अबी हाला। इसके साथ साथ अब हम देख लेते हैं कि व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ नजाशी। कहते हैं ना कि मुसलमान हबशा की तरफ हिजरत कर गए थे तो नजाशी ने मुसलमानों को पनाह दी। आप लोगों को मालूम है कि नजाशी का असल नाम क्या था? द रियल नेम ऑफ नजाशी वाज The real name of Najashi was Asmaha. आप इसके स्पेल कर लें A-S-M-A-H-A. जी अच्छा, ये जो एबिसिनिया है और हबशा, तो एबिसिनिया इज अ न्यू नेम ऑफ हबशा। एबिसिनिया हबशा, वैसे ये न्यू नेम इसके लिए आजकल पता है मॉडर्न हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एथोपिया। सुना है आपने ये नाम एथोपिया? हबशा एबिसिनिया, इनका जो मॉडर्न नेम है वो एथोपिया। अभी ठीक हो गया, कंफ्यूजन हल हो गई। बस जी अनीला, पोरेस्ट कंट्री क्या, हम कौन सा अमीर है? हम भी तो बेचारे भिखारी ही हैं, हम भी तो फुकरा और गुरबा की कैटेगरी में आते हैं। उनको पोरेस्ट कह रहे हैं, हम द पोरेस्ट हैं। ये नहीं जी, मैंने लिख के भेज दिया। और बताएं, इंजील का मानी होता है गुड न्यूज, खुशखबरी। अच्छा, इंजील से ही मुझे एक और एमसीक्यू भी याद आया। आपको पता है इंजील में हॉली प्रॉफिट का क्या नाम मेंशन किया गया? इंजील में हॉली प्रॉफिट का क्या नाम मेंशन किया गया है? इंजील में हॉली प्रॉफिट का जो नाम मेंशन किया गया है ना, वो है फारकलीत। फार
फारकलीत, ये मैंने स्पेल कर दिया, फारकलीत, ये वो आपने याद रखना है, फारकलीत नेम है जो मेंशन किया गया। अच्छा, मुझसे किसी ने पूछा है कि तौरात सर किस लैंग्वेज में थी, तो तौरात हेब्रू लैंग्वेज में थी। तौरात आपको समझ आ गई, तौरात किस लैंग्वेज में थी, हेब्रू, जिसे इंग्लिश में, उर्दू में सॉरी, हम कहते हैं इब्रानी जबान, एन बे रे अलिफ नून छोटी नी, इब्रानी जबान। ये जो आपने बताया ना अहमद, जो मानी अहमद का बनता है वही फरकलीत का भी बनता है। यहां तक कोई कंफ्यूजन? सर व्हाट इज हेब्रू? हाय हाय, दिल खुश कर दिया इस बंदे ने तो। सर व्हाट इज हेब्रू? अच्छा, अब हम कुछ एमसीक्यू जरा कुरान के हवाले से भी पढ़ लेंगे। और जी सर, अगर ऑप्शन में फरकलीत और अहमद दोनों दिए जाए, नहीं, ऑप्शन में फरकलीत ही आएगा, अहमद नहीं आएगा, क्योंकि अहमद का जो मानी है वही फरकलीत का भी मानी है। समझ आई आपको? दोनों नहीं देगा कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि जी दोनों ही देगा, नहीं, दोनों ऑप्शन नहीं देगा। अब थोड़ा बहुत हम मुख्तलिफ पैगंबरों के हवाले से भी पढ़ लें और इसमें फिर हम देखते हैं मुख्तलिफ पैगंबरों के हवाले से। आपको पता है हजरत आदम वाज क्रिएटेड ऑन, हजरत आदम वाज क्रिएटेड ऑन, हजरत आदम वाज क्रिएटेड ऑन फ्राइडे, ऑन फ्राइडे, शाबाश। इनिशियली आदम हैड हाउ मेनी सन्स, शुरू शुरू में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? शुरू शुरू में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तीन बेटे थे और तीनों बेटों में जो सबसे यंगेस्ट था, हिज नेम वाज शीस, हिज नेम वाज शीस। और नबुवत हजरत आदम के बाद हजरत शीस अलैहिस्सलाम को मिली है, यानी कि आप कह सकते हैं द सेकंड प्रॉफिट आफ्टर आदम अलैहिस्सलाम वाज प्रॉफिट शीस अलैहिस्सलाम। समझ आई आप सारे लोगों को ये बात कि हजरत आदम के बाद दूसरा नबी जो है वो हजरत शीस अलैहिस्सलाम को बनाया गया। अच्छा, हजरत शीस अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त हजरत आदम की उम्र कितनी थी? हजरत शीस अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त हजरत आदम की उम्र थी 130 years old, 130 साल की,
130 years old, 130 साल। सैफ अली दस ते दिता ही, होर किंज दसीए। हजरत शीस अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त हजरत आदम की उम्र 130 साल थी। अच्छा, आपको पता है कि हजरत आदम के जिस बेटे ने कत्ल किया था उसका क्या नाम था? वेरी गुड, काबील ने हाबील को कत्ल किया। वो इसको याद करने की निशानी हमने ये रखी हुई थी कि काबील काफ से शुरू होता है, तो इसलिए कत्ल भी इसी ने किया। अच्छा, आपको पता है कि जिसकी वजह से कत्ल किया उसका नाम क्या था? काबील किल्ड हाबील बिकॉज ही वांटेड टू मैरी, because he wanted to marry, very good Abdul Nafe, he wanted to marry Aklima, sister, very good, the sister ka naam kya hai? Aklima, maine Heather ye spell kar diya, theek ho gaya, A-K-L-E-E-M-A, Aklima। The first person to be put into hell will be Kabir। Height of Prophet Adam alayhi salam was 90 feet। The ark नहीं, ये बात नहीं पूछता। अच्छा, इसके बाद फिर आपको पता है the grave of prophet adam is The grave of Prophet Adam is in Saudi Arabia। शाबाश लैला, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जो कब्र है वो सऊदी अरब में। अच्छा, अबुल बशर तो हमने डिस्कस किया, अबुल बशर तो कहते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। आपको पता है अबुल बशर सानी यानी कि द सेकंड आदम किसका लकब है? अबुल बशर सानी, द सेकंड आदम इज द टाइटल ऑफ हजरत नूह अलैहिस्सलाम। शाबाश। अच्छा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कितना अरसा अल्लाह के दीन की तबलीग की? Prophet Nuh alayhi salam preached people for almost 950 years। 950 साल तक वो अपनी कौम के लोगों को तबलीग करते रहे। 900 नहीं, 950 years। ये अक्सर आपने देखा होगा, बल्कि MCQ में लिखा हुआ भी होता है। अच्छा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम किस वजह से हलाक हुई? द नेशन ऑफ प्रॉफिट नूह एक्सटर्मिनेटेड थ्रू फ्लड। और आपको पता है कि वो फ्लड का आगाज कहां से हुआ था? द फ्लड स्टार्टेड फ्रॉम एन ओवन। तंदूर से जो है वो पानी के उबलने का आगाज हुआ था।
द अर्थ ऑफ नो, हजरत नूह अलैहि सलाम की कश्ती तूफान नूह के बाद कहां पर रुकी? द अर्क ऑफ नो स्टॉप्ड एट जोदी माउंटेन। वेरी गुड। कोहे जोदी भी से कहते हैं, जे ओ डी आई, कोहे जोदी। और कोहे जोदी कहां वाक्य है? कोहे जोदी कहां वाक्य है? कोहे जोदी श्रीलंका में। कोहे जोदी जो है वो श्रीलंका में। हजरत नूह अलैहि सलाम के साथ कश्ती में कितने लोग सवार थे? How many people were there with Prophet Nuh alayhi salam in boat? Hazrat Nuh alayhi salam ke saath kashti mein kitne log sawar the? Samra, Tufaan-e-Nuh ka aagaaz tandoor se hua. Oven, jise hum kehte hain tandoor, jis pe rotiyan lagayi jati hain. Aur second number pe हजरत नूह अलैहि सलाम के साथ उनकी कश्ती में 80 बंदे सवार। अरबाब हजरत आदम अलैहि सलाम को उतारा श्रीलंका में गया था, कब्र उनकी अरब में है। अभी ठीक है? माउंट जोदी इज इन टर्की। वेरी गुड। इसके बाद फिर हम देखते हैं वकार। याद रखना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा श्रीलंका में गया था, लेकिन उनकी जो कब्र है वो अरब में है। अभी ठीक है? अच्छा, आपको पता है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरिश्तों पर फजीलत दी। ये बात सुनी है ना आप सारे लोगों ने कि द सुपीरियरिटी वाज गिवन टू आदम ओवर एंजल्स, है ना? ऐसे आपको पता है किस वजह से अल्लाह ताला ने फजीलत अता की थी? वेरी गुड, इल्म की फजीलत। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कितनी जबानें जानते थे? हाउ मैनी लैंग्वेजेस आदम न्यू? हजरत आदम अलैहिस्सलाम 100,000 जबानें जानते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम 100,000 जबानें जानते थे। वैसे मेरे जहन में सवाल आया कि यार 100,000 जबानें कैसे कोई जान सकता है? तो आप याद रखें कि इसमें सिर्फ इंसानों की लैंग्वेजेस नहीं है, इसमें एनिमल, इसमें एंजल्स, इसमें जिन्नात। आपने इवन के देखा है कि रेडिएशंस होती हैं, हवा होती है, उसकी भी एक मूवमेंट होती है, उसकी भी एक वॉइस होती है। 100,000 जबानें जानते, मतलब अल्लाह की हर क्रिएशन की जबान उन्हें आती। आदम न्यू अबाउट 100,000 लैंग्वेजेस और फजीलत दी है सुपीरियरिटी जस्ट बिकॉज ऑफ नॉलेज, इल्म की बुनियाद पर। बात समझ आई आपको हमारा कि हजरत आदम को सुपीरियरिटी किस वजह से मिली है? इल्म की फजीलत की बुनियाद पर। अच्छा, हजरत आदम का एक और लकब भी है। 100,000 जबाने जानते थे ना, इन 100,000 जबाने जानने की वजह से इनका एक और भी टाइटल है और वो है रूहुल बयान। रूहुल बयान, शायद आप लोगों ने ये लफ्ज कभी सुना हो। रूहुल बयान वाज अनदर टाइटल ऑफ प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम।
जोदी माउंटेन टर्की में है, जहां पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती रुकी थी और हजरत आदम को उतारा गया था, वो श्रीलंका में है। अभी बात समझ आई आप सारे लोगों को? एक ते बुजदार नु समझाना दुनिया का सब तो औखा काम है, पंजाब विच भी उन्हें यही काम कीता है, थे मेरी क्लास विच भी वही काम कर रहा है। हाँ ना, क्यों जुरियल? कहते हैं सर बहुत कंफ्यूजन है टर्की में और श्रीलंका में। भाई टर्की में वो पहाड़ है जहां पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती रुकी थी, और श्रीलंका में वो पहाड़ है जहां पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया था। शाबाश साहिबजादा कि श्रीलंका में हजरत आदम के फुटप्रिंट भी हैं। ले कहता है सर नाजुक बातें हैं ये, हमारे तो मुल्क की सूरत हाल ही नाजुक है। आगे से अतीका कहती है सर प्लीज जल्दी जल्दी करा दें। भाई मैं जल्दी जल्दी करा दूं उसके बाद छह छह दफा रिपीट करता रहूंगा ना। अच्छा इतने हर बंदा अपने जुगाड़ दे चक्कर आई चाहे, वो कहता साढ़े मूड के मुताबिक पढ़ाओ। भाई मैं तो जल्दी जल्दी पढ़ा दूंगा, लिखेगा कौन, याद कौन करेगा? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में उनके साथ 80 बंदे थे। अच्छा जी इसके बाद फिर मजीद हम देखते हैं। आपको पता है हजरत आदम अलैहिस्सलाम हॉली प्रॉफिट से किस आसमान पर मिले थे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम से वाकया मेराज के मौके पर कौन से आसमान पर मिले थे? हजरत आदम मेट विद हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ऑन फर्स्ट हेवन, पहले आसमान पर। पहले आसमान पर मिले। अच्छा हजरत शीस अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है? हजरत शीस अलैहिस्सलाम की कब्र लबनान में। लबनान में। लबनान में इराक में। आपको पता है कि कौन से पैगंबर थे वो वाज एक्सपर्ट इन एस्ट्रोनॉमी? कौन से पैगंबर हैं जो एस्ट्रोनॉमी में बड़े एक्सपर्ट? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। अच्छा इदरीस अलैहिस्सलाम हॉली प्रॉफिट से कौन से आसमान पर मिले? ब्रेक नहीं करेंगे नूर, बस क्लास जल्दी खत्म कर देंगे। वैसे भी 5 बजे तक तो आपकी क्लास का टाइम है, ये तो क्लास ही 2.5 घंटे की है। आपने टाइम टेबल में देखा नहीं है ये 2:30 to 5 PM है। देखा है टाइम टेबल में? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम से मिले हैं। चौथे आसमान पर ऑन फोर्थ हेवन। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पर कितने सहीफे नाजिल हुए? सर आज जल्दी छुट्टी दे दें, क्यों भाई? अच्छा बताएं हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पर कितने सहीफे नाजिल हुए हैं? वेरी गुड आंसर यार तैमूर, 30 सहीफे।
حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے ہیں, 30 آپ کو پتا ہے کہ which سبجیکٹ واز انٹروڈیوسڈ بائی پروفیٹ ادریس علیہ السلام, حضرت ادریس علیہ السلام نے کون سا مضمون جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا تھا؟ ویری گڈ, میتھمیٹکس. اچھا اسی طرح ان کے حوالے سے ایک اور ایم سی کیو یہ ایف آئی اے کے پاس پیپرز میں آیا ہوا تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو کتنے سال کی عمر میں نبوت ملی ہے؟ He was made prophet at the age of 40 years. حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی 40 سال کی عمر میں نبی بنایا گیا. بات سمجھ آئی آپ کو؟ اچھا سب سے پہلے پین کا استعمال حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا, یہ بھی آپ نے یاد رکھنا. He was the first man to write with a pen. سمجھ آئیے آپ کو؟ تو نادیہ آپ نے پوچھا کہ 40 کی کیا لاجک ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ نے نبوت دینی ہوتی ہے نا, تو ہولی پروفٹ سے سملیرٹی ڈرا کی جاتی ہے کہ جس طرح پروفٹ محمد کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی تو اسی طرح ان کو بھی 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. سمجھ آئیے آپ کو بات کی؟ اور اس کے بعد پھر آپ نے کوشچن پوچھا ہے کہ قلم, تو قلم سے مراد یہ ہے کہ کہتے ہیں دنیا میں سب سے پہلے پین حضرت ادریس علیہ السلام نے بنایا اور اس قلم کے ساتھ یہ لکھا کرتے تھے. اب بات سمجھ آئی آپ کو؟ آپ سارے لوگوں کو بات سمجھ آ گئی تھوڑا سا؟ نہیں حماس, اس سے پہلے نا قلم سے نہیں لکھتے تھے, اس سے پہلے جو ہے وہ آپ کو پتا پتھر سے دیواروں کے اوپر لکھا کرتے تھے, وہ پتھر والا ٹائم تھا. سٹون ایج میں تو جو ہے وہ پتھروں کے ذریعے لکھا جاتا تھا نا دیواروں کے اوپر, پین کے ذریعے نہیں. نہیں نمرا یہ بات تو نہیں. صحیفے کہتے ہیں سمال بکلٹس کو, اللہ تعالیٰ وہ تمام احکامات جو ایک ہی دفعہ نازل کر دیں اسے صحیفہ کہتے ہیں. اچھا جی یہ بھی مجھ سے کئی دفعہ پوچھا ہے نعمان, بالکل ہی واز اے ٹیلر بائی پروفیشن. یو آر رائٹ, ہی واز اے ٹیلر بائی پروفیشن, بالکل ٹھیک ہے. آپ دیکھیں یار ایک ہی پیغمبر سے ریلیونٹ ہمارے کتنے ایم سی کیوز ہیں, میں تو یہ سوچ رہا ہوں حضرت ادریس علیہ السلام سے متعلق اتنے ایم سی کیوز آ چکے ہیں یار پاس پیپرز میں. صحیفہ کو انگلش میں سکرولز کہتے ہیں, سمال بکلٹس سکرولز. اچھا اسی طرح اب ہم ذرا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں طوفان نوح کے حوالے سے بھی. آپ کو پتا ہے دا ڈیوریشن آف طوفان نوح واز؟ تو طوفان نوح کا ڈیوریشن کتنا تھا؟ 6 مہینے, 6 months. اچھا اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا ایک ٹائٹل بھی ہے, ان کو کہا جاتا ہے شیخ الانبیاء. بات سمجھ آئیے آپ کو؟ حضرت نوح علیہ السلام کا کیا ٹائٹل ہے؟ شیخ الانبیاء.
हजरत नूह अलैहिस्सलाम का लकब क्या है? शेखुल अंबिया। शेखुल अंबिया यानी कि अंबिया इकराम में भी शेख, शेख वैसे अरबी जबान में उस्ताद को भी कहा जाता है। ये मुख्तलिफ अलकाबात है ना जो दिए जाते हैं। शेखुल अंबिया इज द टाइटल ऑफ हजरत नूह अलैहिस्सलाम। अच्छा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफान नूह के बाद किस परिंदे को भेजा था? आपको पता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफान के बाद किसको भेजा था कि वो जाए और जरा खुशकी की खबर लेकर आए? पिजन। शाबाश। नहीं नहीं सुजाजा, बुलबुल या हुदहुद नहीं, पिजन कबूतर को भेजा था। पिजन वाज सेंट टू सर्च लैंड। ओए होए रुखमा, पिजन पी से है, कबूतर। आपने तो बेचारे पिजन का बिजन बना दिया। शुक्र है कि बीजिंग नहीं बना दिया। पी आई जी ई ओ एन। यकीन करें इनके बिजन और बीजिंग में थोड़ा सा ही फर्क रह गया। अच्छा जी, एक और एमसीक्यू आपको पढ़ाता हूँ हजरत नूह अलैहिस्सलाम के हवाले से। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का एक तो लकब मैंने आपको बताया ना कि आदम सानी भी है, इसी तरह एक और टाइटल भी है हजरत नूह अलैहिस्सलाम का, और वो है नजीउल्ला। नजीउल्ला इज अनदर टाइटल ऑफ प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का एक और लकब है नजीउल्ला। नजीउल्ला भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम का लगभग। इज इट क्लियर? यहां तक अब कोई कंफ्यूजन? अब हम पढ़ लेते हैं हजरत हूद अलैहिस्सलाम के हवाले से। आपने नाम सुना है हजरत हूद अलैहिस्सलाम के? इनकी कौम पर जो है वो बड़ा आजाब भी आया था अल्लाह का। हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हाँ जी बिल्कुल, हजरत हूद अलैहिस्सलाम कौम आद की तरफ भेजे गए थे। ठीक हो गया? हजरत हूद अलैहिस्सलाम को किस कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा गया? बनिए आद। हजरत हूद अलैहिस्सलाम को बनिए आद की तरफ जो है वो नबी बनाकर भेजा गया। अच्छा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब किस चीज का आया था? हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब किस चीज का आया था? कंटिन्यूअस रेन एंड स्टॉर्म टिल 7 days, 7 दिन तक मुसलसल बारिश और पत्थर बरसते रहे। कंटिन्यूअस रेन एंड स्टॉर्म, कंटिन्यूअस रेन एंड स्टॉर्म।
रेन एंड स्टॉर्म। रेन एंड स्टॉर्म। अच्छा, यहाँ पर मुझसे किसी ने पूछा है कि सर अजाब इलाही को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो एहसान, अजाब इलाही को इंग्लिश में हम कहते हैं डिवाइन रैथ। डिवाइन WRATH रैथ। शायद ये आपने कभी लफ्ज सुना हो डिवाइन रैथ, अजाब इलाही को कहते हैं। समझ आ गई? सारे लोगों को पूछ रहे थे कि सर इंग्लिश में अजाब इलाही को क्या कहते हैं, डिवाइन रेट। अच्छा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम में एक शख्स था जिसने जन्नत भी बनवाई थी, आपको पता है उसका क्या नाम था? हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम में एक शख्स भी था जिसने जन्नत बनवाई थी, शदाद। नाम सुना आपने शदाद? शदाद वाज द किंग वो मेड मैग्निफिसेंट पैलेस नियर अडन। नाम सुना आपने शदाद का? और शदाद, बिल्कुल, तो ये कौमे आद भी तो जो है वो ओमान के पास और यमन के पास रहा करते थे, ईस्टर्न यमन। आपने कहा ना अली मर्दान के यमन का बादशाह था शदाद, तो शदाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम में से ही था और ये लोग ईस्टर्न यमन, यमन और ओमान के पास एक जगह है इनके बॉर्डर के पास, ये वहां रहते थे और इसको गार्डन ऑफ इरम भी कहते हैं। बिल्कुल, बागे इरम, गार्डन ऑफ इरम भी कहा गया इसे। हाँ जी, और एक लास्ट एमसीक्यू इनके हवाले से आपने याद रखना है कि अरब इनकी कब्र पर ज़ियारत के लिए रजब के महीने में जाते थे। अरब यूज़ टू विजिट हिज ग्रेव ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रजब। अरब यूज़ टू विजिट हिज ग्रेव ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रजब। बात समझ आई आपको कि रजब के महीने में अरब जो है वो इनकी कब्र पर ज़ियारत के लिए जाते थे, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। बिल्कुल, ये एमसीक्यू आ चुका है हमारा एफपीएससी के पास पेपर्स में कि अरब लोग हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कब्र पर ज़ियारत के लिए रजब के महीने में जाते थे। बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करवा दूंगा। तुसी रोना धोना बंद कर दो, इन्होंने तो रोना शुरू कर दिया कि सर आपने इतने एमसीक्यू लिखवा दिए हैं, बट तुसी क्लास जो रोन वास्ते आंदे हो। मुझे ये बताएं कितने एमसीक्यू पढ़ लिए आपने? गार्डन ऑफ इरम, शदाद ने एक जन्नत बनवाई थी और तजनीस उसका नाम कुरान पाक में भी मेंशन किया गया बागे इरम के नाम से। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की जो ग्रेव है जकी, वो अरब का एक इलाका है, उसका नाम है हजर मौत। आपने नाम सुना हजर मौत, वहां पर है। तो कितने एमसीक्यू हो गए हमारे? शानजा, आपने क्लास लेट ज्वाइन की है, 62 तो हमने क्लास से पहले पढ़ लिए थे। आपने टोटल 62 पढ़े हैं। हाँ जी, सबा इंशाल्लाह ताला 6 बजे क्लास लेंगे। डिवाइन रैथ कहते हैं मारिया अजाबे इलाही को। कितने हो गए हैं? 136। ओके, चलें यार, शुक्र अल्लाह का आपको अब ये 136 एटलीस्ट याद भी होंगे।
ठीक हो गया फिर। बाकी इंशाल्लाह मैं आपको यहीं से नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, नो वरीज। मैंने आपको अब तरीका बता दिया है, अब आपने एक काम और करना है जो अब आपने खुद से पढ़ना है। आपने कुरान से मुतालिक एमसीक्यूज खुद प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे थोड़ा सा क्विज की फॉर्म में वो डिस्कस करूंगा, ठीक हो गया। मैंने आपको बताया ना कि इम्पोर्टेंट मैं कराऊंगा और जो इजी इसी से है वो मैं आपसे करवाऊंगा। तो आपने अब नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क क्या करना है, कुरान से रिलेटेड एमसीक्यूज ये तो पढ़ सकते हैं ना। जहां मर्जी से पढ़े फिर मैं जो है वो कवर करा दूंगा, नो वरीज। ओके देन सी यू इन नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच। क्विज आपको शाम को मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच सर, अल्लाह हाफिज, जज़ाकअल्लाह। स्टूडेंट क्विज का मैंने बताया था क्विज 9:30 अपलोड होगा, 11 बजे तक आपके पोर्टल के ऊपर रहेगा। 9:30 to 11 के दरमियान में आप लोगों ने क्विज को जो है वो सॉल्व करना है। LMS पे जाइएगा, लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर क्विज का ऑप्शन आ रहा होगा, क्विज पे क्लिक करिएगा, अपना क्विज अटेम्प्ट करिएगा। 9:30 से लेके 11 बजे तक क्विज मौजूद होगा। कोई बात नहीं अरूज, आप लाहौर कैंपस से हो कोई मसला नहीं है, आपका LMS बना होगा। मेरी आवाज ठीक हो गई है, बस थोड़ी सी बेहतर ही है, अल्लाह रहम करे बस इस आवाज पे। जब तक ये डस्ट एलर्जी रहेगी मुझे नहीं लगता कि आवाजें बेहतर होंगी। वैसे आज बारिश हो गई है, मौसम अच्छा है, हालात बेहतर हो जाएंगे। चलो स्टूडेंट्स जिन्होंने लीव करना है दे कैन लीव द रूम, आराम आराम से जाओ। जिन्होंने MPT के बारे में कुछ पूछना है वो मुझसे पूछ सकते हैं।